अस्सलाम वालेकुम। फ़िक्र हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस नुस्खे के साथ मैं हाज़िर हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो शादीशुदा हैं और उनके साथ मसला ये हो रहा है कि इरेक्शन वगैरह तो उनके पास है, सेक्सुअल पावर में तो उनके ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन टाइमिंग का बहुत बड़ा मसला है। सुरात इंजाल है, मतलब या तो वो मतलब स्टार्ट करते हैं सेक्स और फिर उसके बाद उनकी जो मनी है वो खारिज हो जाती है, निकल जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर ये होता है कि वो स्टार्ट भी नहीं कर पाते और करीब जाने से पहले पहले ही निकल जाता है। तो मैं सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ, इन दो चीज़ों पे आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपकी जो ये सूरत इंजाल की जल्दी डिस्चार्ज होने की परेशानी है, टाइमिंग की जो दिक्कत है, ये सब ख़त्म हो जाएगी। टाइमिंग की दिक्कत ये मनी को पतले होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल भी होती है, और इसी वजह से ये दो तीन वजहें होती हैं कि जिसकी वजह से टाइमिंग की कमी हो जाती है। लेकिन खैर, ये दो चीज़ें जो मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ, इंशाल्लाह ये बेहतरीन रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेंगी। करना क्या है, आपने लेना है शीरे बरगद 15 तोला, और दूसरी चीज़ आपने लेनी है फिटकरी 5 तोला। करना ये है कि फिटकरी को पीस लीजिए, पीसने के बाद एक चीनी के बर्तन में इस फिटकरी को रख दीजिए और जो शीरे बरगद, बरगद का जो दूध है 15 तोला, वो इसमें मिक्स कर दीजिए और इसको साए में रख दीजिए। 2 दिन साए में रखने के बाद तीसरे दिन आपने इसकी गोलियां बनानी हैं चने के बराबर। जब चने के बराबर इस गोलियां बना लें तो फिर आप इस पर चांदी का वर्क चढ़ा दीजिए, और चांदी का वर्क चढ़ाने के बाद हम बिस्तर होने से, बीवी के पास जाने से 2 घंटे पहले 2 गोलियां आपने बिल्कुल ताज़े 250 ग्राम दूध के साथ लेनी है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त वाली टाइमिंग होगी और जो आपका सुराते इंजाल का मसला था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहारें पैदा हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस नुस्खे से आपको खूब फ़ायदा अता करे। आमीन। आज के लिए इतना ही, चलिए अल्लाह हाफिज़।